दोस्तों बीटीएस के मेंबर्स हम सभी के आइडल और इंस्पिरेशन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका फेस किस बीटीएस मेंबर से मैच होता है या फिर आप किस बीटीएस मेंबर की तरह दिखते हैं? तो दोस्तों राधिका बांगिया जो कि इस समय केपॉप की काफी फेमस इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं, उनके तरह आप भी अपने फेस को बीटीएस से कंपेयर करके जान सकते हैं कि आपका फेस किस बीटीएस मेंबर से मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक इस बारे में नहीं पता कि रिसेंटली ही राधिका बांगिया की एक इंस्टाग्राम रील काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, जहां पर उन्होंने अपने फेस को केपॉप के ग्रुप के मेंबर से कंपेयर किया था। और दोस्तों वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उनका फेस किस बीटीएस मेंबर से ज्यादा मिलता है। दोस्तों आप में से काफी सारे लोग राधिका बांगिया के बारे में तो जानते ही होंगे। राधिका बांगिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और साथ ही साथ अपना एक्टिंग डेब्यू भी एक मूवी से कर चुकी है। और पिछले काफी समय से वो केपॉप के बारे में रील्स और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाती रहती हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि राधिका बांगिया बीटीएस के कॉन्सर्ट में भी जा चुकी हैं और उन्होंने ये सभी चीजें इंडियन आर्मीज के साथ काफी एक्साइटमेंट के साथ शेयर करी थी। पर दोस्तों रिसेंटली ही आर्मीज को उनकी एक वीडियो काफी पसंद आई, जहाँ पर वो अपना फेस बीटीएस के मेंबर से कंपेयर करके एक फिल्टर यूज करके ये चेक कर रही थी कि उनका फेस किस बीटीएस मेंबर से सिमिलर दिखता है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो के रिजल्ट्स देखकर आर्मीज भी खुद शॉक्ड रह गई, क्योंकि दोस्तों जब राधिका ने इस फिल्टर को यूज किया तब उन्होंने पाया कि उनके फेस पर वी का फेस आके रुका। और दोस्तों आर्मीज ने नोटिस किया कि उस फेस का आधा उनके फेस पर लग जाने के बाद उनका बचा हुआ चेहरा वी से काफी मिल रहा था। दोस्तों काफी सारे आर्मीज का तो ये भी मानना था कि दोनों एक दूसरे के ट्विन्स लग रहे थे और एक साइड से वी का चेहरा राधिका के फीचर्स पर काफी सूट कर रहा था। दोस्तों यही नहीं बल्कि वीडियो के कैप्शन में राधिका खुद भी शॉक थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनका फेस वी से कैसे मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आर्मीज को उनकी ये रील काफी एंटरटेनिंग लगी और इससे पहले भी उन्होंने काफी सारी रील्स इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर करी थी, जहां पर वो बीटीएस की बात कर रही थी या फिर के ड्रामा के बारे में लोगों को बता रही थी या फिर लोगों को ये बता रही थी कि बीटीएस के कॉन्सर्ट में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और दोस्तों उससे पहले एडुफैक्ट 2.0 का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में दिया हुआ है, तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आजकल राधिका की तरह काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम या फिर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीटीएस को लेकर काफी सारी अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिनकी वजह से उनके फैंस भी बीटीएस की आर्मीज बनती जा रही हैं। और दोस्तों ये सभी चीजें देखने के बाद इंडिया की बीटीएस आर्मीज काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि धीरे धीरे बीटीएस को इंडिया में भी वो मिलने लगा है जो वो डिजर्व करते हैं। हालांकि दोस्तों राधिका ने इससे पहले भी काफी बार बताया है कि वो के ड्रामा की काफी बड़ी फैन है और बीटीएस की तो बहुत ही बड़ी फैन है, जिसकी वजह से उनके फैंस भी बीटीएस का कंटेंट काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और आर्मीज को भी ये सब काफी अच्छा लगता है। तो दोस्तों कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप इस इंस्टाग्राम फिल्टर को ट्राई करेंगे या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।